अमेरिका इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के अग्रीमेंट के तहत इतना एनरिच यूरेनियम दे रहा है कि जैसे मैंने शायद आपके ही प्रोग्राम पे पहले भी कहा है, 25 न्यूक्लियर वेपन्स हर साल अमेरिका के एनरिच यूरेनियम सेल से इंडिया अपना एनरिच यूरेनियम बचा के बम बना रहा है। हम लोगों को एक्चुअली समीर साहब, मेरे ख्याल में हमारे पास 150 या 200 बम जो भी लोग कहते हैं वो काफ़ी है हिंदुस्तान के लिए। चैन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पाक मीडिया ऑन इंडिया में। दोस्तों, हमारा ये चैनल नया है, इसीलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक मशहूर एनालिस्ट जफर हिलाली बोल रहे हैं कि अमेरिका 25 न्यूक्लियर बम बनाने का सामान इंडिया को हर साल देता है, तो अब हमको भी रूस से अपने रिश्ते सुधारने चाहिए और हमको भी रूस से न्यूक्लियर मटेरियल लेना चाहिए। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। आप सिर्फ और सिर्फ इस पे बात करने नहीं गए हैं। देखिए, बात असल ये है कि इस वक्त उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब बकौल कह रहे हैं कि हमें कोई ब्लॉक नहीं ज्वाइन करना चाहिए, मगर हमने तो एक ब्लॉक ज्वाइन कर लिया है, ब्लॉक्स तो बन गए हैं। हम सीपैक को सपोर्ट करते हैं, हम बीआरआई को सपोर्ट करते हैं, हम चाइना को ताइवान पे सपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर मैटर्स पे सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ सपोर्ट करते हैं, वीगर्स के बारे में उनको सपोर्ट करते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर बाइडन का फॉर अमेरिका नहीं चाहता, नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने जो भी हैं जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन और जो भी उनका इन्फ्लुएंस है इस्तेमाल करें उनके दोस्तों के खिलाफ और उनके प्रोजेक्ट्स के खिलाफ। तो जाहिर है, अगर इस आदमी को आप निकाल देंगे तो उनकी डिविडेंड होगा अमेरिका को, ये सब चीज़ें फिर आगे आ जाएंगी। अब इस्टेब्लिशमेंट अगर समझता ये है कि, बहुत सारे लोग समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट प्रो अमेरिका है, डू मो अमेरिका है, मैं तो कहता हूँ कि अगर ये नहीं जाते, और कुछ लोग ने कहा था ख़ासतौर वाशिंगटन में कि मत जाओ, ये मौका नहीं है, यूक्रेन में जो अमेरिका कर रहा है, वो रशिया कर रहा है, वो गलत है और अमेरिका बुरा मारेगा, मगर फिर भी ये गए और जाके उससे बात करेंगे। और मेरे ख्याल में हमें वाजे कर देना चाहिए कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट किधर हैं। ये डू मो का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। पुतिन एक डिक्टेटर है, पुतिन का जो फैसला करता है वो फैसला होल्ड्स, और फ्री मैन वो चूज़ कर सकता है, और अगर हम ठीक तरीके से अप्रोच करें बिल्कुल कह सकता है। भाई आखिर अमेरिका इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के अग्रीमेंट के तहत इतना एनरिच यूरेनियम दे रहा है कि जैसे मैंने शायद आपके ही प्रोग्राम पे पहले भी कहा है, 25 न्यूक्लियर वेपन्स हर साल अमेरिका के एनरिच यूरेनियम सेल से इंडिया अपना एनरिच यूरेनियम बचा के बम बना रहा है। हम लोगों को एक्चुअली समीर साहब, मेरे ख्याल में हमारे पास 150 या 200 बम जो भी लोग कहते हैं वो काफ़ी है हिंदुस्तान के लिए। तो मगर जो न्यूक्लियर स्टील मिल, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो कसूर के तक ये जो पाइपलाइन जाएगा $2-3 बिलियन, ये वो दे सकता है, स्टील मिल के बारे में दे सकता है, इंडस्ट्री आके वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक फ्री जोन्स में वो आके बना सकते हैं, गैस हमें थ्रू तुर्कमेनिस्तान, क्या क्या नहीं हो सकता है रशिया के साथ। और इंशाल्लाह इनके पास एक पूरा एजेंडा है, हेलीकॉप्टर इंजन्स, JF थंडर के इंजन्स जो अमेरिका ने तुर्की को कहा है तुम पाकिस्तान को नहीं दे सकते, बहुत सारे चीज़ें हैं इस, मगर एक शर्त पे कि एक जेन्युइन पॉलिसी शिफ्ट हो। ये प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में कुछ लोगों ने बिठा दिया है कि आप सबके साथ आप उतना ही अच्छा हो सकते, भाई यू कांट बी न्यूट्रल। एक इश्यू है जिधर एक का पोजीशन गलत है, मिसाल के तौर पे यूक्रेन में ये क्या कर रहे हैं अमेरिका,
अमेरिका ने गोर्बाचोव को कहा तुम ईयू में नहीं आ सकते, तुम नेटो में नहीं आ सकते, और फिर साथ साथ हर जो नेटो मुल्क हैं उनको कहा तुम सॉरी रशियन सोवियत रिपब्लिक्स थे उन्होंने कहा तुम नेटो में आ जाओ, तो रूस ने कहा तो ये कोल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है, तो नाउ दे आर रिएक्टिंग, और बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। और तू पुतिन जो है वो कह रहा है कर लो सैंक्शंस, मेरे पास काफ़ी गैस है, काफ़ी गोल्ड है, काफ़ी पैसे हैं, और चीन मेरे साथ खड़ा हुआ है, कर लो जो करना चाहता, मैं रशिया की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा।